मैं हाँ खुशबू। बजट जो तो अड़ा बजट हिला सकता है, बजट जिस ते सब दिया नजर टिकिया हुई ने, बजट जिस तो सब नु उम्मीदा ने। देश दा आम बजट 2022 दा देश दा आम बजट अज पेश होन जा रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जिन्हां दे वल्लों ए बजट पेश कीता जावेगा, अज 11 बजे देश दा आम बजट पेश होन जा रहा है। बीजेपी दी सरकार दे विच देश दा 10वां बजट अज पेश होवेगा ते वित्त मंत्री वजों निर्मला सीतारमण दा 4था बजट होवेगा जो अज पेश कीता जावेगा। इस बजट ते सब दियां नजरां टिकियां होईयां ने कि कुछ इस दे विच खास होवेगा, लोकां नूं किद्दां राहत मिलेगी, कुछ लोगों लिए नवा होगा। इस बजट दे विच सब कुछ अज लुकिया होया है। बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। दस दिए कि यह बजट देश का पहला ग्रीन बजट होगा, देश का पहला पेपरलैस बजट होगा, जिस दे विच किसी भी पेपर की किसी भी कागज की वरतों नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैब राही पढ़ के बजट पेश करेंगे। वड्डी गल है कि अज तक पहले कभी भी ग्रीन बजट पेश नहीं किया गया, आज पहली बार 2022 का बजट ग्रीन बजट होगा, पेपरलैस बजट होगा, जिसन पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैब की वरतों करेंगे। टैब राही पढ़ के इस बजट को पेश किया जाएगा। तो दस दिए कि करोना के चलदा करोना के दौर के हूँ तीसरी लहर चल रही है, करोना के कारण सब के बजट हिल चुके हैं, देश में भी कई चीज़ों का कई मुश्किल दा सामना करना पिया सी। ते हुण इस बजट दे विच करोना करके की कुछ मुश्किलां आईयां सन, उहनां दे नाल किन्ना क बजट हिल्या सी, उस दे बारे भी कुछ ना कुछ नवा देखण नूं मिल सकदा है। इस बजट दे विच कई मुद्दयां ते गल हो सकदी है। किसानी धरने तों बाद, फार्मर प्रोटेस्ट तों बाद देश दा बजट किन्ना क हिल्या सी, किन्नियां क मुश्किलां सरकार नूं सामना करना पिया सी, ते लोकां ते इस दा की असर पिया सी, उस दे बारे भी इस बजट दे विच देखण नूं मिल सकदा। कई तरह के मुद्दे ने जो इस बजट दे विच होणगे। दस दिए कि बीजेपी सरकार दा 10वां बजट है, बीजेपी दे वल्लों 10वां बजट जो है पेश करवाया जाएगा, ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 4था बजट होगा। हुण चोणां सिर ते ने, विधानसभा चोणां सिर ते ने 2022 दियां, ते 5 राज्यां दे विच चोणां होणगियां, यूपी, उत्तराखंड, नेपाल, पंजाब सने होर 2 थावां ते चोणां होण जा रहियां ने। ते इस विचाले बजट पेश होण जा रहा है जो सब तो जरूरी है, सब ते सब लोकां दीआं इस ते नज़रां टिकियां होईयां ने, क्योंकि बीजेपी दे वल्लों अपना अक्स सुधारन की कोशिश की जाएगी, कुछ नवा लोकां दे लई लिआंदा जाएगा, जिस ते सब दीआं नज़रां टिकियां होईयां ने। क्योंकि चोणां तो पहले जेकर बजट पेश हुंदा ते उस दे विच कुछ अजिहियां चीज़ां हुंदियां ने जो लोकां नूं नहीं पौंदियां, जो व्यापारक वर्ग नूं नहीं पौंदियां, तां बीजेपी लई वड्डी मुश्किल खड़ी हो सकती है, बीजेपी लई वड्डी मुश्किल पैदा कर सकदियां अजिहियां चीज़ां। ते हुण चोणां विचाले बजट पेश होण जा रहा है, देश दा आम बजट जो हर एक नाल जुड़े है वह अज पेश होण जा रहा है, ते देखना होवेगा कि इस बजट दे विच की कुछ खास हो सकता है, क्योंकि पिछले बीते सालां दे विच काफ़ी मुश्किलां देश नूं भी सामना करना पिया सी, आम लोगों नूं भी मुश्किलां दा सामना करना पिया सी। ते अज जो बजट है वह पेश होवेगा, अज 11 बजे राष्ट्रपति संबोधन करनगे। दस दिए कि करोना करके ये जो बजट है 2 हिस्सों के विच पेश किया जाएगा। पहला हिस्सा 1 फरवरी तो 11 फरवरी तक होवेगा, ते दूसरा हिस्सा 14 फरवरी तो लैके 8 अप्रैल तक होगा। 2 हिस्सों के विच ये बजट पेश किया जाएगा, जिस दियां कुल 29 बैठकां हो सकदियां ने, 29 मीटिंगां होणगियां। दस दिए कि पहले हिस्से के विच 10 मीटिंगां हो सकदियां ने, ते दूसरे हिस्से के विच 19 मीटिंगां होणगियां। 2 हिस्सों के विच ये बजट पेश किया जाएगा, ग्रीन बजट होगा, पेपरलैस बजट होगा, वित्त मंत्री दे वल्लों की कुछ नवा लिया जाएगा और सब इस बजट दे विच होवेगा। लोकां नू की कुछ लोकां दे लई नवा होवेगा और सब अज इस बजट दे विच ऐलान किया जाएगा। दस दिए कि निर्मला सीतारमण 4था बजट पेश करन जा रहे ने, बीजेपी दे नाल काफ़ी लंबे समय तो जुड़े हुए ने, ते पहला वक् वक् अहुदियां ते रह चुके ने, रक्षा मंत्री भी रह चुके ने निर्मला सीतारमण, जिस तों बाद उन्हां नू वित्त मंत्री बनाया गया, ते हुण वह अपना 4था बजट
बजट पेश करन जा रहे ने जो कि टैब राही पढ़िया जाएगा वित्त मंत्री दे वल्लों। दस दिए कि बजट तो सारे लोगों नू बहुत ही उम्मीदा ने ते अज 11 बजे राष्ट्रपति संबोधन करेंगे। उस तो बाद बजट जो है पेश किया जाएगा। बजट इजलास दौरान 29 मीटिंग होणगियां ते करोना नियमों नू ध्यान दे विच रख्या गया। करोना नियमों नू ध्यान दे विच रखदे होए दो हिस्सों दे विच बजट पेश होगा ते सोशल डिस्टेंसिंग दा भी मुख ध्यान रख्या गया है। जो लोग जो मैंबर ने लोक सभा राज्यसभा मैंबर ने वो इस बजट इजलास दौरान लोक सभा राज्यसभा दे चैंबरां दे विच बिठाए जाणगे। सोशल डिस्टेंसिंग दा पूरा ध्यान होगा ते जो बाहरले लोग ने जो आम लोग ने वो बजट इजलास विच शामिल नहीं हो सकते। करोना नियमों नू मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया कि आम लोग इस दे विच शामिल नहीं हो सकते ते जो मैंबर शामिल होणगे उन्हां नू राज्यसभा लोक सभा दे चैंबरां दे विच बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग दा पूरा ध्यान रख्या जाएगा। इस दे नाल ही दस दिए कि दो हिस्सों दे विच राज्यसभा ते लोक सभा दी कारवाई होवेगी। पहले हिस्से दिन दे पहले हाफ दे विच राज्यसभा दी कारवाई होवेगी ते दिन दे दूजे हाफ दे विच लोक सभा दी कारवाई होवेगी। करोना करके वड्डा इकट्ठ जो है पार्लियामेंट दे विच नहीं कीता जाएगा। वख-वख हिस्सों दे विच सारा जो शेड्यूल तैयार किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस दे नाल ही तुहानू दस दिए कि जो लोग बजट इजलास दौरान आउणगे उन्हां दे लई टीकाकरण वैक्सीनेशन करोना वैक्सीनेशन ते करोना टैसट का खास प्रबंध किया गया है। लोगों के करोना टैसट हो सकते ने करोना टैसट जो ने उत्थे खास उन्हां दा प्रबंध किया गया है। जो लोग आएंगे राज्यसभा लोक सभा मैंबर जो आएंगे उन्हां दा करोना टैसट हो सकता है। करोना वैक्सीन का प्रबंध किया गया है। जो लोग बजट इजलास दौरान शामिल होणगे उन्हां नू करोना वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। जिन्हां नू वैक्सीन हुण तक नहीं लगी उत्थे वैक्सीन भी लगाई जा सकती है ते करोना टैस्ट जो है कीता जाएगा। करोना दे नियमां दी पालना जो है कीती जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रख्या जाएगा। दो हिस्सों दे विच बजट पेश कीता जाएगा ते राज्यसभा ते लोकसभा दी कारवाई भी दो हिस्सों दे विच होएगी। दिन दे पहले हाफ दे विच राज्यसभा दी कारवाई होवेगी ते दूजे हाफ दे विच लोकसभा दी कारवाई होवेगी। दस दिए कि अज 11 बजे जो है राष्ट्रपति संबोधन करनगे ते उन्हां दे वल्लों राष्ट्रपति दे संबोधन तो बाद बजट पेश कीता जाएगा वित्त मंत्री दे वल्लों। इस दे विच दस दिए कि वित्त मंत्री जो ने टैब राही पढ़नगे बजट। देश दा पहला ग्रीन बजट होवेगा। 1955 तक इंग्लिश दे विच बजट पेश जो है हुंदा सी। वड्डी गल है कि 1955 तक देश दा बजट इंग्लिश अंग्रेजी भाषा दे विच पेश कीता जांदा सी पर उस तो बाद ये बजट जो है हिंदी दे विच पेश कीता जाण लगा। भारत दा बजट मुड़ हिंदी दे विच पेश कीता जाण लगा ते अज जो बजट है ये किसी भी पेपर राही नहीं पेश कीता जाएगा। पहली बार 2022 दे विच पहली बार अजिहा होवेगा कि ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन काफ़ी लंबे समय तो बीजेपी के नाल जुड़े हुए ने वक्-वक् अहुदियां ते रह चुके ने निर्मला सीतारमन ते अज बजट पेश हो जा रहा। लोगों के मनां दे विच इह गल है कि देश दे वित्त मंत्री दे वल्लों जो बजट पेश किया जाएगा उस दे विच की खास होगा किहड़ियां चीज़ां तो लोगों नू राहत मिल सकती है। घरेलू जो महिलावां ने उन्हां दे लई की कुछ खास होगा। सिक्ख्या पद्धर ते की कुछ खास होगा। टैक्स जो है उसते की कुछ खास होवेगा। लोगों दी लगातार उम्मीदा इससे जुड़िया हुई ने क्योंकि लंबे समय तो मुश्किल चल रही ने। लोगों नू पेंडेमिक दे समय करोना दे समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हां दी भी इस बजट ते नज़र चुकिया हुई ने क्योंकि उन्हां लोगों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम दे विच बिजली खर्च हुंदी है ते इस दे नाल ही उन्हां दे अपने पद्धर ते काफ़ी खर्चा हुंदा है। जदों घर बह के काम करदे ने ते ऑफिस दे विच जाण वाले लोगों दीआं वी इस ते नज़रां चुकियां होईआं ने क्योंकि पहले 2 लाख तो वध जेकर किसी की आमदन हुंदी सी तां उस ते टैक्स लगदा सी पर उसनूं फिर वधा के 2.5 लाख कर दिता गया। पर हुण 2.5 लाख तो बाद ये जो लिमिट है वधदी है या नहीं इस ते लगातार व्यापारक वर्ग दीआं कामकाजी जिहड़े लोग ने उन्हां दीआं नज़रां चुकियां होईआं ने कि
ढाई लाख तो बाद जो टैक्स लगता सी टैक्स दर दे विच कमी आती है या नहीं, ढाई लाख तो वध दी लिमिट या नहीं, इस ते लगातार नज़र बनिया हुई ने घरेलू महिलावां दे लई। घरेलू जो संसाधन ने गैस सिलेंडर कपड़े बिजली इन सब ते जो है राहत मिलती है या नहीं, छूट मिलती है या नहीं, इस ते लगातार सब दियां नज़रां बनियां होईयां ने। सिक्ख्या की जेकर गल की जाए तो सिक्ख्या दे विच भी की कुछ नवा आंदा है, कोई राहत मिलती है या नहीं, फीसां दे विच कुछ राहत मिलती है या नहीं, GST ते MSP ते सब दियां नज़रां टिकियां होईयां ने, क्योंकि किसानी अंदोलन जो किया गया सी उसका एक मुख्य कारण MSP भी रही है। हुण इस ते भी लगातार नज़रां बनियां होईयां ने, क्योंकि जो किसानी अंदोलन वापस लए गए ने उस तों बाद भी काफ़ी नुकसान ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, MSP ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ BJP ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, BJP ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜੋ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ BJP ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, BJP ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ BJP 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।